23 नवंबर 2023 देव उठनी एकादशी। जी हाँ, देव उठनी या देव उत्तान एकादशी की जब हम बात करते हैं तो हम ज्योतिष के नजरिए से बात करेंगे, जान लेंगे कि तिथि क्या है, मुहूर्त क्या है और करना क्या है। लेकिन उससे पहले हम जानेंगे कि देव उत्तान एकादशी की जो कथा है वो क्या है और क्यों ये इतना खास है। देखिए, सबसे पहले शुरुआत करते हैं ज्योतिष के नजरिए से। ज्योतिष के नजरिए से देखें, सूर्य जो है जब मिथुन राशि में होते हैं तो देव शयनी एकादशी मनाई जाती है। देव शयनी एकादशी के समय सूर्य मिथुन राशि में, जैसा मैंने कहा, होते हैं। उसके बाद 4 से 5 महीने लगभग जब हो जाते हैं, दिवाली के 11 दिन बाद यानी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जो है देव उत्तान एकादशी मनाई जाती है। कहा जाता है इसे देव उत्थान, यानी कि देवता उठ गए। अब चतुर्मास की निद्रा से विष्णु जी जो है बाहर आ रहे हैं और हम मांगलिक कार्यों की शुरुआत कर सकते हैं। इस समय सारे मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाती है। देखें, ज्योतिष के नजरिए से तो सूर्य भी जो है अपनी नीच की राशि से बाहर आ चुके होते हैं, वो वृश्चिक राशि में होते हैं, तुला में नहीं होते। और सूर्य ज्योतिष में प्राण का कारक माने जाते हैं। कभी भी विवाह जैसे बड़े जब बंधन में इंसान बंधने जाता है तो सेहत का, क्योंकि प्राण ऊर्जा सूर्य को ज्योतिष में कहा जाता है, तो आपकी सेहत अच्छी हो, आप पर कोई आकस्मिक खतरा ना हो, क्योंकि सूर्य का नीच होना अच्छा नहीं माना जाता है। कुंडली में सेहत को के लिए नुकसानदेह होता है। सूर्य जब स्थिति से बाहर आ जाते हैं तो कहते हैं कि शादियों का तारा लग गया, यानी कि गुरु और शुक्र भी जो है अस्त नहीं हो और जो है सूर्य अपनी नीच की राशि से बाहर आ चुके हों, तो सारे मांगलिक कार्यों की शुरुआत जो है यहीं से शुरू हो जाती है। अब बात अगर हम करें कथा की तो देखें, जो कथा है वो कुछ इस तरह से कही जाती है कि वृंदा दैत्यराज कालनेमी की पुत्री थी और महादेव शिव ने एक बार अपना तेज जो है समुद्र में फेंका और उस समुद्र से एक तेजस्वी बालक निकला जिसे हम दैत्यराज जलंधर के नाम से जानते हैं, और वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। आप सोच रहे होंगे कि ये कथा मैं आपको इतना क्यों बता रही हूँ, क्योंकि देखें, इसी एकादशी के दिन तुलसी का विवाह मनाया जाता है। जब विवाहों की कड़ी लग जाती है तो पहला विवाह तुलसी और शालिग्राम का विवाह होता है, लेकिन तुलसी का विवाह तो जालंधर से हुआ था ना, तो इसकी कथा क्या है। देखें, जालंधर ने अपने अत्याचारों की जब सीमा लांघ थी तो श्री हरि विष्णु को पृथ्वी को बचाने के लिए, इस लोक को बचाने के लिए ऐसा कदम एक उठाना पड़ा, एक छल करना पड़ा। बताती हूँ वो छल कैसे हुआ और क्या हुआ। देखिए, हुआ ये कि जब हम छल की बात करते हैं तो उससे पहले हम ये भी जान लें कि जालंधर जो है वो अपना रूप बदल के एक बार माता पार्वती को पाने की इच्छा से उनके पास गए, लेकिन माता पार्वती तो अपने तप से जान चुकी थी कि यह जलंधर है। ऐसी हरकत वो देवी लक्ष्मी के साथ भी कर चुके थे कि श्री हरि विष्णु का रूप धर के उसके पास गए ताकि उसको वो हासिल, श्री हरि माँ लक्ष्मी को जो है वो हासिल कर सके, और वैसा भी नहीं हो पाया तो श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब यह सीमा का उल्लंघन है, यह अति हो चुकी है। तो उस जो प्रार्थना माता पार्वती और माँ लक्ष्मी ने श्री हरि विष्णु से करी, उसके कारण ये भी हुआ कि महादेव शिव का युद्ध जो है जालंधर से हुआ, और उस युद्ध में जालंधर हार नहीं पा रहे थे और महादेव शिव जीत नहीं पा रहे थे। देखें, जब जीतने और हारने की बात है तो ऐसा क्यों, क्योंकि वृंदा ना कि सिर्फ विष्णु की भक्त थी, वो एक पतिव्रता स्त्री थी। उनके पतिव्रत धर्म के कारण जो है जालंधर हार नहीं पा रहे थे और महादेव शिव और विष्णु जो है वो जीत नहीं पा रहे थे। इस कारण श्री हरि विष्णु को जालंधर का रूप लेकर जो है माँ वृंदा के पास जाना पड़ा, और उन्होंने उनके साथ, माँ वृंदा ने पतिव्रत, जैसा पतिव्रता नारी अपने पति के साथ व्यवहार करती है, वैसा व्यवहार किया और उनका पतिव्रत धर्म जो है वो भंग हो गया, जिसके कारण जालंधर का तेज कम हुआ और उनका वध हुआ। तो पृथ्वी को, हमारे पालनहार को बचाने के लिए यह सब करना पड़ा। लेकिन यह सब करने के बाद माँ वृंदा ने श्री हरि विष्णु को श्राप दिया, हृदयहीन शिला हो जाने का जो है श्राप दिया। हृदयहीन शिला यानी कि आप पत्थर बन जाएंगे।
श्री हरि विष्णु जी ने जो है उस श्राप को स्वीकार किया और कहा कि जो भी शालिग्राम का विवाह तुलसी से करवाएगा वो इस पृथ्वी पे सुख संपदा भोग कर जो है मोक्ष को प्राप्त होगा, वैकुंठ धाम को जो है प्राप्त होगा, ऐसा कहा जाता है। तो देखें, तुलसी का विवाह कराने के पीछे ऐसा भी कहा जाता है कि जिस घर में तुलसी होती है, तुलसी को यह वरदान भी श्री हरि विष्णु ने दिया कि जिस घर में तुलसी होती है वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहे तुलसी और गंगा जल मुख में रख कर निकल जाते हैं वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है, और जो मनुष्य तुलसी व आमलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसे पितृ मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं। तो तुलसी की ये जो महानता है, इस कारण हम तुलसी पर, तुलसी विवाह पर एक दिया भी जलाते हैं, उनकी पूजा भी करते हैं, और तुलसी को हमारे हिंदू संस्कृति में या सनातन संस्कृति में जो है पूजा जाता है। और यह वृंदा के सतत्व का ही फल है कि तुलसी बनकर जो है वृंदा हमेशा श्री हरि विष्णु के साथ रहेंगी, और जो भी उनका विवाह, तुलसी का विवाह शालिग्राम या विष्णु की पूजा जो है विष्णु के साथ करवाएगा, और विष्णु की पूजा जो है कहते हैं कि तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है। तुलसी के बिना अधूरी माने जाने का मतलब ये भी है, देखें वृंदावन के धाम में जब हम श्री कृष्ण की पूजा भी करते हैं तो तुलसी का हार वहां चढ़ता है, तो विष्णु जी की पूजा में तुलसी का होना जरूरी है। अब देखिए, प्रतीकात्मक रूप से ये चीजें आपस में कितनी ज्यादा जुड़ी हुई हैं कि श्री हरि विष्णु और तुलसी का विवाह है, और विवाह के बाद जो है हमारे यहाँ पे सभी तरह के मांगलिक कार्य, यानी कि इंसानों के विवाह का भी जो है एक तारा लग जाता है कि एक के बाद नवंबर दिसंबर में हमारे यहाँ जो है भारत में बहुत शादियां होती हैं, क्योंकि मांगलिक कार्यों के लिए कहा जाता है कि देवता उठ गए हैं, निद्रा से बाहर है, यानी कि सूर्य अब एक बेहतर स्थिति में आ चुके हैं, एक अच्छी पोजिशन पे आ गए हैं, अब आप विवाह जो है मांगलिक कार्यों के लिए सब कर सकते हैं, क्योंकि मांगलिक कार्यों के लिए सूर्य और मंगल का अच्छी स्थिति में होना, गुरु और शुक्र का सही स्थान पर सही राशि से गोचर होना या सही भाव में बैठना जो है बहुत जरूरी होता है, तभी एक जातक की कुंडली में जो है विवाह के योग बनते हैं। अब जान लेते हैं, देखिये तिथि क्या रहेगी, तो 22 तारीख 11:03 पर नवंबर 22 को जो है एकादशी तिथि शुरू हो जाएगी, और 9:01 नवंबर 23 को जो है एकादशी तिथि खत्म होगी। तो इस दिन जो है आप व्रत रख सकते हैं, एकादशी का व्रत जैसा रखा जाता है, लेकिन तुलसी के बिना जो है वो व्रत भी अधूरा होता है। तो सुख समृद्धि और अच्छी सेहत पाने के लिए आप क्या करेंगे, देखें घर के ईशान कोण में तुलसी को रख कर एक दिया जरूर जलाएं, और माँ लाल रंग की चुनरी जो है उनको उढ़ा कर और शालिग्राम को वहां रख के एक सांकेतिक विवाह, अगर आप अपने घर में किसी ब्राह्मण को बुला कर जो है आप उनका विवाह करवाएं, तो वो तो और भी ज्यादा जो है सुखदायी, और कहते हैं कि सुख संपदा वैवाहिक जीवन के लिए जो है बहुत अच्छा रहा माना जाता है। दूसरा, सुख संपदा के लिए यानी कि धन धान्य के लिए भी जो है यह उपाय बहुत अच्छा है। आप एकादशी का व्रत रखें या ना रखें, देखें वो आपका निजी विश्वास की बात है, और भक्ति चाहे निष्काम हो या सकाम हो, सबके अपने अपने रूप हैं, ईश्वर सबको फलित करते हैं, और सबकी ही उतनी जो है वैल्यू होती है। हम अपनी प्रार्थनाओं को जो है उनसे कहते हैं, ईश्वर से, और ईश्वर उसे सुनते हैं। तो देखें, देव उत्थान जो एकादशी है इसका कितना बड़ा महत्व है और कितनी खास है ये दिन, कि ज्योतिष के नजरिए से भी और इसकी कथाओं को भी अगर हम प्रतीकात्मक रूप से देखें तो सूर्य का गोचर कितना खास है, ऋतु परिवर्तन जो है इससे जुड़ा हुआ है, क्योंकि अब यहां से इसके बाद जो है और महीने दो महीने चार महीनों में जो है स्थिति बदल जाएगी, फूल उगना शुरू हो जाएंगे, फूलों का मौसम आ जाएगा, और बेहतर जो है स्थिति और मांगलिक कार्यों की ओर जो है हम बढ़ेंगे। इसी तरह की और बातें जानने के लिए आप धर्मारा लाइफ से जुड़े रहिए हमारे साथ, और अगर आप मुझसे कोई सवाल करना चाहते हैं तो आप मुझे shrutivastu.jyotish@gmail.com पे, shrutivastu.jyotish@gmail.com पे जो है ईमेल कर सकते हैं। अगले वीडियो में मैं आपका सवाल जरूर लूंगी, आप अपना कोई भी सवाल मुझे जो है लिखकर दे सकते हैं, चाहे वो आपकी कुंडली से जुड़ा हुआ हो, उस सवाल का जवाब हम आपके पास लेकर जरूर आएंगे।